हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा हॉस्पिटल है। आज मैं आपसे बताने वाला हूँ, मतलब ये बात करने वाला हूँ कि हमारे पास में काफ़ी जो पेशेंट आते हैं वो एक स्पेशली लेडीज के बारे में बात कर रहा हूँ। 30-35 की उम्र से लेकर 50 की उम्र तक ऐसी लेडीज आती है कि जो हमारे पास में आके कंप्लेन करते हैं कि उनको डलनेस लगता है, मूड खराब है, उदासीनता लगती है और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, भूख लगती नहीं है और काम तो करते हैं बड़े मुश्किल से, मगर सुबह जल्दी उठना होता नहीं है, उठेंगे तो बहुत डर लगेगा और फिर उसमें उनको अच्छा भी लगता नहीं है, विचार आते रहते हैं, निराश और उदास रहते हैं। तो फिर उनको उनका डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट देता है कुछ ना कुछ और बाद में उनको हमारे तरफ भेज देता है। यदि ऐसा पहली बार हो रहा है और 40-45 की उम्र में समझो वो आती है, वो हो रहा है ना, तो फिर तो मैं तो पक्का देखता हूँ कि भाई उनको कोई शारीरिक बीमारी है क्या, क्योंकि ब्लड में यदि सोडियम की लेवल, मतलब नमक की लेवल या पोटेशियम की लेवल यदि कम होती है और कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कॉमनली बहुत ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन यदि कम होता है, उसको बोलते हैं कि मिक्सिडिमा, तो वो बीमारी यदि है तो उस वो बीमारी से भी इनको ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि लेडीज़ को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, मतलब पुरुष वर्गों को भी होता है, मगर ज़्यादातर मुझे मेरे प्रैक्टिस में लेडीज़ दिखाई दी। और स्पेशली लेडीज़ को जो जिनको थायराइड हुआ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा आवाज़ भी थोड़ा सा उनका थोड़ा हेवी जड़ रहता है, उनको पूछे अपन कहाँ बोलते थोड़ा आंख पे सूजन भी आई है और चेहरे पे थोड़ी सूजन रहती है, तो उनको यदि हम थायराइड की गोली देते हैं ना तो वो अच्छी हो जाती है। मगर समझो थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल है और बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको ये निकाल, मतलब यहाँ तक आना पड़ता है वो रिजल्ट तक कि भाई इनको डिप्रेशन, क्योंकि बाकी कुछ तो नहीं मिल रहा है, बाकी सब टेस्ट हो गई है और फिर डिप्रेशन है, निराश और हताश हुई है और उसको फिर देखना पड़ता है कि हुआ क्यों। ये लोगों को उसमें का जो एक कैटेगरी उसमें, उनको सुबह उठने के बाद में अच्छा लगता है और शाम जैसी जैसी आने लगती है वैसा वैसा उनको डिप्रेशन ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। 40-45-50 की उम्र में होता क्या है लेडीज़ को, बच्चे बड़े होते, स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन्स हैं, वो अपने अपने बच्चों के साथ में खेलते रहते, उनके पति बाहर काम धंधे के लिए या सर्विस में वहाँ जाते, घर में अकेले, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट, घर खाली हो गया, अब करना क्या। पहले बहुत कलाकारी थी, हाईली एजुकेटेड है और अभी जब बच्चे छोटे थे तो उनमें पूरा दिन जाता था, अब बच्चे बड़े हो गए वो अपने काम में लगे, अभी करना क्या, तो उसमें फिर उनको ख्याल आते रहते हैं, फिर टीवी देखो और टीवी देखने से फिर अलग 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 जो हम सीरियल देखते रहते हैं वहाँ से कॉन्वर्सेशन दिमाग में आते रहते हैं और इस सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बिलीफ बन जाता है कि भाई हम अभी काम के नहीं रहे, मेरा जीवन तो ऐसे ही निकल गया, 40-45 की उम्र हो गई, मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, अब मैं क्या करूं। और उस समय क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है, मतलब मासिक धर्म जो स्त्री का है, तो मेंस्ट्रुएशन भी कम कम होते जाता है, वो कहता है कि अभी मैं स्त्री भी वैसी नहीं रहूं, नहीं अभी हूं जैसे पहले थी, मतलब स्त्री तो निकल गया अभी, और उसमें काफ़ी उनको डिप्रेशन आता है, वो बिलीफ सिस्टम मेरी सबकॉन्शियस माइंड में पूरा बैठ गया। तो उनको साइकोथेरेपी करना, मतलब मानसोपचार करना, काउंसिलिंग करना, बातचीत करना उनके साथ में, और जो भी कॉन्वर्सेशन दिमाग में चल रहे है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। भाई आपको जो भी हो रहा है उसका सोर्स क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है, वहाँ सोर्स पे जाके काम करके उनको वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। इनमें फिर मैं सेल्फ हिप्नोसिस भी सजेस्ट करता हूँ उनको, के एनएलपी के टेक्निक्स भी सिखाता हूँ, और एनएलपी टेक्निक्स कभी कभी बैड मेमोरीज वॉश आउट करना है उसके लिए बहुत काम में आती है, कोई बैड मेमोरी है उसका असर हुआ है और अभी डिप्रेशन लग रहा है उसमें भी काफ़ी काम में आती है, तो वो
उनके साथ में करते हैं, और कुछ दवाइयाँ कि जो दवाई से उनको जरा सा मूड लिफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शाम की नींद अच्छी हो जाएगी। और ऐसा यदि करते हैं तो धीरे 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 1-2 महीने के अंदर वो अपना नॉर्मल मूड में आ सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। जैसा डिप्रेशन की बीमारी अभी इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को इतनी टेंशन है, इतने प्रॉब्लम्स है रोज के जीवन में कि लोग ऐसा उसमें रिजाइन हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए अभी कुछ संभव नहीं है, मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो लोगों को पावर देना, शक्तिशाली उनको बनाना, ये मेरा मिशन है। और एक हर एक व्यक्ति यदि शक्तिशाली रूप से अपना जीवन जीता है, अपने क्षमता जो उसकी है वो क्षमता का पूरा उपयोग करके जीवन जीता है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो एक हैप्पी लाइफ, आनंद का जीवन जिएगा। आप ये वीडियो शेयर करते लोगों को, तो लोगों को भी मिलेगा, ये मालूम होगा, और उनका जीवन भी अच्छा हो सकता है यदि वो मैं जैसा बोला उसका पालन करते हैं। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा आपको, जरूर सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, ताकि जिनको इनको ऐसा ये प्रॉब्लम है वो अच्छा जीवन, पावरफुल जीवन, खुशी का जीवन, शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।